अभी बज रहा है सुबह का 7:30। आज विक्की को थोड़ा लेट ऑफिस जाना था, उनकी मीटिंग थी यहाँ पे ही शारजा में, तो इस वजह से उनको थोड़ा लेट ऑफिस जाना था। तो मैं किचन में आ गई हूँ और अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी छानती हूँ। हमारे कल्चर में यही है कि पानी कितना भी प्योरीफाई आ रहा है लेकिन उसको एक बार छान के ही स्टोर करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। तो मैं सुबह सबसे पहले यही काम करती हूँ, और जब तक वो जार भरता है तब तक मैं सारे बर्तन, मतलब जो रात में धो के रखे होते हैं, वो सेट करती हूँ, जहाँ उनकी जगह है वहाँ रखती हूँ। प्लेट्स वगैरह तो मैं स्टैंड पे ही रहने देती हूँ, बाकी स्पून्स वगैरह ये सब हटाती रहती हूँ वहाँ से। और फिर ये पानी का जार भर गया था तो अब इसको मैं ढककर रख दूँगी, और ये चाय का पानी भी मैं ले रही हूँ पैन में, ताकि चाय भी बनाना मैं शुरू कर सकूँ। बस फिर ये हम छन्ना धोकर रख देंगे। हमेशा मैं आप लोगों को दोपहर की चाय दिखाती हूँ, और आज मैं सुबह चाय बना रही हूँ, तो आज सुबह की चाय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज जो मतलब ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं, ये बॉक्सेस में तो भरने वाला है, लेकिन जब ये पूरा खाली होगा तो फिर मैं धोकर फिर ये बॉटल्स को फिल करूँगी। बस चाय में मसाला पत्ती सब डाल दी है और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। टिफ़िन के लिए रोटियाँ और सब्जी ऑलरेडी बना के रख ली है मैंने। तो ये मैं वो जो बीट रूट का पराठा का आटा मैंने गूंद के रखा था ना, बस उसी का पराठा लगा रही हूँ। सुबह के टाइम इतनी हड़बड़ी होती है ना कि अपन मतलब शूट करते करते बोल नहीं सकते, क्योंकि लाइक जल्दी जल्दी हर काम करना होता है। तो बस पराठे में तेल लगाकर पूरत वाला पराठा मैंने बना लिया था और उसको तवे पे डाल दिया सिकने के लिए, और अभी दूसरा पराठा रेडी कर रही हूँ। आई थिंक हर हाउसवाइफ ऐसे ही काम करती है, तभी तो जो पूरे दिन का काम है वो कंप्लीट कर पाती है। अगर आप एक एक काम लेके बैठोगे तो पूरे दिन का काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये जो पराठा खाने में जितना पौष्टिक है ना बीट रूट का, दिखता भी उतना ही खूबसूरत है, एकदम पिंक कलर का, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर ये पराठा। बस ये मैं सेक लूँगी और फिर ब्रेकफास्ट ले जाकर मैं टेबल पे रख दूँगी, ताकि विक्की जैसे ही रेडी हो अपना ब्रेकफास्ट कर लें। और आज क्योंकि वो थोड़ा लेट जा रहे थे, इसलिए मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट आई मीन पराठा बना के रेडी कर लिया है। अचार वगैरह लेकर आ रही हूँ, तो हम साथ में मिलके ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और मैं टिश्यू पेपर ज़रूर रखती हूँ रोटी या पराठा जो भी बनाती हूँ उसके नीचे। और बस विक्की का नाश्ता हो गया था तो वो जा रहे हैं, तो बस अब मैं डोर लॉक कर लूँगी और फिर आप लोगों के सामने मुखातिब होंगी। कितना भारी वर्ड है ना मुखातिब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है तारीख 23 फरवरी की और टाइम हो गया है यहाँ पे 9:15 का, और विक्की चले गए हैं मीटिंग में। उनकी मीटिंग आज शारजा में ही थी तो इस वजह से थोड़ा लेट गए हैं वो। तो नाश्ता वगैरह हो गया और उनको लंच भी बनाकर साथ में दे दिया है। और आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी धूप निकली है, नहीं तो कभी धूप और कभी छांव और कभी बादल, पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा ही मौसम होता था। और यहाँ पे मैंने ये जो दही वाली मिर्ची होती है ना वो रख दी है सूखने के लिए, और ना यहाँ पे बार बार पिजन आ रहे हैं पानी पीने के लिए, और क्योंकि मैं बैल्कनी में हूँ तो वो लोग उड़ के चले जा रहे हैं, तो उनको भी प्यास लगी होगी, तो बेहतर है कि हम अंदर बैठकर बातें कर लें, क्योंकि हमने तो बातें ही करनी है ना, और उनको पीना है पानी जो कि बहुत एसेंशियल है। तो बस वही विक्की गए तो अब मेरा काम शुरू होगा सफाइयों वाला, और आज तो वॉशिंग मशीन भी लगानी है क्योंकि धूप अच्छी निकली है। धूप अच्छी निकली रहे ना तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, तो आज वॉशिंग मशीन भी लगाना है। और मुझे ये बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और कहाँ से हैं, लाइक अगर इंडिया से देख रहे हैं तो किस स्टेट से, अगर बाहर से कहीं से देख रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता तो चले ना कि कौन लोग मुझे कहाँ से देखते हैं। जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हो ना तो एक कनेक्शन अपने व्यूवर्स से बन जाता है।
जानना अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से है ये सब। तो बस आज यही सब काम है। और हाँ, आज मैं अपना फेवरेट डिश बनाऊंगी डिनर में, जो कि अगेन विक्की नहीं खाते हैं। तो नहीं, नॉट डिनर में, लंच में, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लंच में बनाऊंगी मैं अपनी फेवरेट डिश। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक बना रहिएगा। और अगर अब तक आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए व्लॉग में आगे चलते हैं। अभी आपको बैकग्राउंड में अज़ान की आवाज़ आ रही होगी, तो ये जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तब टाइम हुआ था इतनी 12:15 या 12:20, तो उस टाइम की जो दुहूर की नमाज़ होती है ना, उसकी अज़ान थी वो। तो बस उस टाइम मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। और मैं क्या करती हूँ, जो भी बड़ा कपड़ा होता है ना, उससे सारे कपड़े उठा कर उस बॉक्स के उसको थोड़ा सा रोल करके वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है कि, पता नहीं, बस मुझे ऐसा फील होता है कि जो बासे कपड़े हैं वो मैं टच ना करूं, पता नहीं ऐसा फील होता रहता है। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूं। और फिर बस वॉशिंग मशीन मैंने चला दी है। और आगे मैंने एक जगह गलत टाइम आप लोगों को बताया, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं अपनी फेवरेट डिश दाल ढोकली बनाने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं 3 टाइप की दाल ले रही हूँ, तुअर दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। आप चाहे तो सिर्फ तुअर दाल ले सकते हैं, पर 2-3 दाल डालो ना तो ज़्यादा अच्छा दाल का टेस्ट आता है। तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी दालें ले रही हूँ, जैसे कि एक एक मुट्ठी हो गई समझ लीजिए, एक मुट्ठी नहीं, टोटल तीनों दालों की क्वांटिटी मिलाकर 1.5 मुट्ठी होनी चाहिए, इतनी दाल मैं ले रही हूँ। और इसको धो लेंगे, और बीच बीच में आप लोगों को वॉशिंग मशीन की आवाज़ आती रहेगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काम साथ साथ चल रहा है इसी वजह से। तो दाल धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दाल मैंने धो ली और इसमें अच्छा खासा पानी डाला है, क्योंकि जो ढोकली भी हम डालेंगे ये पानी में ही उबलने वाली है। तो दाल हम उबलने के लिए रख देते हैं और इसमें डालते हैं मसाले, वो मैं आपको बताती हूँ। दाल उबलने रखने से पहले हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार एनिस, 2 इलायची, 3 लौंग और 1 काली वाली इलायची, 1 काली इलायची डालेंगे और थोड़ा सा ये दगड़ फूल। इससे ना जो भी हम बनाते हैं उसमें सुगंध भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। बस अब दाल उबलने के लिए रख देंगे। हल्दी अगर आप चाहें तो अभी इस स्टेज में भी डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब ढोकली बनाने के लिए मैंने 2 रोटी के लिए जितना आटा लगता है वो मैंने ले लिया, क्योंकि मैं 2 रोटी खाती हूँ। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो उस हिसाब से आप आटा ले लीजिए। उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अजवाइन इज अ मस्ट, और नमक, और डालेंगे थोड़ा सा तेल। बस अब इसका एक नॉर्मल रोटी के लिए जैसे हम आटा लगाते हैं, बस वैसे ही इसका आटा गूंद लेंगे। तड़के के लिए हमें चाहिए सौंफ, जीरा, सरसों, मीठी नीम की पत्तियां और मेथी, और हींग इज अ मस्ट, और लाल मिर्ची। और बाकी सारे मसाले तो हमने दाल उबलने में ही डाल दिए। इमली ज़रूर डालना है इसमें जब हम बघार लगाएंगे, और ड्राई मसाले तो जब मैं डालूंगी वो बताऊंगी, और ड्राई मसाले सारे ही डालेंगे इसमें। तो बघार भी बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक दाल का बघार भी रेडी हो जाएगा, तो ढोकली डालने के लिए इजी हो जाएगा। तो बघार लगाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। आप चाहें तो घी से भी बघार सकते हैं, तेल से भी बघार सकते हैं। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि हम इसमें कोई गार्लिक, जिंजर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो टेस्ट कैसा आएगा ना, थोड़ा फैट ज़्यादा रहेगा तो टेस्ट भी ठीक से आएगा।
और अगर आप ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप वो भी कम कर सकते हैं। तेल तेल गर्म हो जाता है फिर हम तड़का लगाते हैं। तेल हमारा हो गया गर्म तो इसमें सारे ये खड़े मसाले डाल देंगे। और हींग की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही रखिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जो इमली हमने भिगा कर रखी थी वो। और इस पानी को अच्छे से उबलने देंगे ताकि जब तक हमारी दाल रेडी हो तो ये भी इसमें भी सारा टेस्ट आ जाए, तो ये क्विक एंड ईजी हमारी दाल ढोकली रेडी हो जाए। जो हमने ढोकली के लिए आटा गूंथा था उसका एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे और उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने एक रोटी के स्मॉल पीसेस ऑलरेडी कट कर लिए, बस ऐसे ही बनाना है। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा रखना है ये। यहाँ पे टाइम 12:30 हो गया ना, मुझे लग गई भूख तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बनाऊं और एक क्विक दाल ढोकली वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि लोगों को लगता है दाल ढोकली बनाने में बहुत टाइम लगता है तो वीकेंड के दिन बनाएंगे ये वो, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी दाल ढोकली बहुत जल्दी बन जाएगी। रोटी हमने बेल ली तो फोक से इसमें थोड़ा छेद कर देंगे, जैसे हम सलोनी खस्ता ये सब बनाते तो थोड़े कर देते हैं ना, बस वैसे ही, ताकि ये अच्छे से उबलते वक्त पक जाए। इसके स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। दाल ढोकली के लिए हमारा सारा चीज़ रेडी है, बस प्रेशर कुकर खुलने का इंतज़ार है। तो जैसे ही प्रेशर कुकर ओपन होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। और मेरा ध्यान अभी किस चीज़ पे गया था वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई थिंक दिखना तो चाहिए, नहीं दिख रहा है। पता नहीं हमारे ये जो पड़ोसी लोग हैं पता नहीं कैसे अपने कपड़े वगैरह जो है ना ऐसे कहीं भी डाल देते बाउंड्री वॉल पे। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए सामने उसने बाउंड्री वॉल पे ऐसे कपड़े डाल के रखा हुआ है। बिल्डिंग मैनेजमेंट से इतनी बार नोटिस आता है, इवन ना ये लोग नोटिस लिफ्ट में लगा देते हैं जो एलिवेटर्स होते हैं ना उसमें, कि ऐसे लाइक फोटो के साथ कि ऐसे कपड़े आप लोग नहीं डालें बिल्डिंग में, फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं। कुकर का ढक्कन मैं खोल के गई थी तो उसका प्रेशर रिलीज हो गया है, दाल तो हो गई हमारी, उबल गई है दाल। तो अभी क्या करेंगे हम इसको दाल घोटनी से एक बार घोट लेंगे। मतलब ना दाल बहुत अच्छे से नहीं भी पकी है और पक भी गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमने बघारा था वो वाला पानी भी इसमें डाल देंगे और गैस कर देंगे ऑन। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और जितनी भी ढोकली हमने बनाई थी ये सारी इसमें डाल देंगे। फिक्र मत कीजिएगा ये चिपकती नहीं है आपस में, खुद से उबल के एक एक अलग हो जाती है। सारी ढोकली हमने डाल दी, अब इसको थोड़ा सा एक बार हिला देंगे और इसका वापस से ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए कई लोग इसको ओपन करके भी पकाते हैं पर उसमें ना कम से कम आधा घंटा आपको लगेगा ढोकली भी अच्छे से पकने में, तो मैं
प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और 2 सीटी लगाती हूँ और मेरी दाल ढोकली बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब इसको 2 सीटी का वेट करेंगे। दाल ढोकली हमारी बन गई है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी गुड़ और नमक भी टेस्ट कर लेंगे और फिर इसको घी डालकर सर्व करेंगे। इसमें अच्छे से गाय का घी डालिए या जो भी शुद्ध घी आपके पास हो वो डालिए और इसे खाइए। एकदम यम लगता है। मेरी तो ये फेवरेट डिश है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और मुझे टेस्ट करके बताइएगा कि आप लोगों को दाल ढोकली कैसी लगी। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज गए। जब मैं दाल ढोकली बना रही थी ना तब टाइम हुआ था 1:30 बजा था और मैंने गलती से आप लोगों को 12:30 बोल दिया था और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं मतलब जल्दी से मैंने परोसा खाना और फिर मैंने खाना खा लिया। तो अब 2:30 बज गए। खाना खा कर थोड़ा मैंने रेस्ट किया। ऑफ कोर्स खाना खा के तुरंत बाद मैं काम पे नहीं लग जाती हूँ। डिपेंड करता है, अगर मूड किया तो लग भी जाती हूँ। तो अभी मेरे लंच के बर्तन धोना बाकी रह गया है और जो कपड़े मैंने धोए थे वो सुखाना बाकी है। तो अभी हम कपड़े सुखाएंगे। और मैं ना एक बहुत अच्छा व्लॉग देख रही हूँ, श्रीलंका के जो व्लॉग्स होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखना। क्लोज टू नेचर होता है और वो लोग ज़्यादा कुछ आपस में बोलते नहीं है क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है सॉली वो तो मुझे समझ में नहीं आती है, बट जस्ट वो लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो वो देखना मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी टीवी पर वो ही लगा हुआ है उनका व्लॉग और वही मैं देख रही थी। तो एनीवेज काफ़ी टाइम हो गया है व्लॉग देखते देखते, तो अभी मैं कपड़े ले आती हूँ वॉशिंग मशीन से निकाल कर और उसे सुखाते हैं। ज़्यादातर मैं अपना स्टैंड गैलरी में ओपन ही रखती हूँ क्योंकि कभी कोई चीज़ सुखानी हो तो वो भी मैं स्टैंड के ऊपर रख के सुखा देती हूँ और ऑब्वियसली नहाने के बाद टॉवल गिले रहते हैं तो वो भी सुखाने के लिए मैं स्टैंड ज़्यादातर खुला ही रखती हूँ क्योंकि इजी हो जाता है ना कोई भी चीज़ वो रखने के लिए उसके ऊपर। और मेरी बालकनी में अगर ज़मीन पर कोई चीज़ रखूँ तो उस पर धूप ही नहीं लगेगी तो मुझे स्टैंड पर रख कर ही सुखाना पड़ता है। तो बस वही मतलब कोई ना कोई जुगाड़ लगाती रहती हूँ। और बस कपड़े भी सूख गए थे, मेरा मतलब है स्टैंड पे डाल दिए थे और काम हो गया है तो बॉक्स को वापस वॉशरूम में रख के आ जाते हैं क्योंकि मैं ये बॉक्स वॉशरूम में ही रखती हूँ और सारे गंदे कपड़े हम इसी में डालते जाते हैं और वीक और में कपड़े भी मैंने जब भी और मशीन लगाते हैं धो लेते हैं। आखिरी काम रहता है अभी दोपहर का वो है ये बर्तन धोना। आज की ना बर्तन बहुत ज़्यादा, वो दाल बहुत ज़्यादा थी ना तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है तो इस वजह से मैं ये बर्तन जल्दी से धो लेती हूँ। हालांकि जल्दी तो नहीं धुलेंगे, टाइम लगेगा क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा छप गया है मेरा। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरे सारे काम हो गए हैं दोपहर के एटलीस्ट और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:30। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मैं बुक लेकर आई थी। ये बुक है चिराग वसीम बरेलवी जी की, तो ये मैं पढ़ रही थी। फिर मुझे याद आया कि आज का व्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो एक बहुत अच्छी लाइन या शायरी या शेर, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, अभी इतना नॉलेज नहीं है मुझे, पर जो मैं पढ़ रही थी वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये भगवान पे या आस्था से रिलेटेड एक शेर है कि सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। मतलब 2 लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी ना, कि जो इंसान ये बोलता है ना कि अगर भगवान है तो नज़र क्यों नहीं आता, तो मतलब उसको मैनर्स ही नहीं है, सलीका ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर कण में है, हर क्षण में है और हर समय आपके साथ ही है।
अगर आप उसको फील नहीं कर सकते तो देखोगे कैसे। तो इसी नोट पे मैं आज का अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मा सलामा।